नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कल पार्लियामेंट में इस बारे में अपना वक्तव्य दिया था कि तवांग सेक्टर में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच मुठभेड़ झड़प मारपीट हुई, उसमें हमारा कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा है, हमारे देश में जो विरोधी दल हैं उन्हें बीमारी है कि वो कुछ ही दिनों में सवाल पूछने लगेंगे कि क्या सबूत है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी आज भी बयान देते रहते हैं कि गलवान घाटी में हमारे इतने जवान मारे गए, ये हुआ, फलना हुआ, ढिमका हुआ। उन्हें अपनी सेना, अपने देश के रक्षा मंत्री के बयान पर यकीन नहीं है अब। लेकिन चीन से पैसा लेते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए, तो चीन का फेवर तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और कल भी आप सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर चर्चा होने वाली थी, और उसी से पहले इन्होंने इस भारत चीन मुठभेड़ वाला जो मामला है इसे लेकर वहाँ पर हंगामा कर दिया और संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी। अमित शाह ने बाद में बयान भी दिया कि कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों से भागना चाहती है जो सवाल उठ रहे हैं कि आपने जाकिर नाइक फाउंडेशन है उससे पैसा लिया था, और चीन का जो दूतावास है वहाँ से आपको फंड मिलता था राजीव गांधी फाउंडेशन का, और आप चीन के राजदूत से बात करते हैं जब हमारे विदेश मामलों में कुछ हस्तक्षेप करना होता है इन्हें। तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक वीडियो आया है दोस्तों, और तवांग सेक्टर में जो मुठभेड़ हुई है उसका एक शानदार वीडियो आया है, और उसमें हमारे जवानों ने क्या डंडों से पिटाई की है चीन के जवानों की। मैं तो उस वीडियो को वेरीफाई करने की कोशिश में लगा हुआ था, और मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ खासतौर से ऐसे लोगों से जो ऑथेंटिक सूचनाएं देते हैं, खासतौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, विदेश मामलों के, या थोड़े इस तरह से के मामलों के जो जानकार हैं। आदित्य राजकोल जो जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, और आदित्य राजकोल को मैं इसलिए भी लाइक करता हूँ कि थोड़ा राष्ट्रवादी सोच के हैं और लंबे समय तक कई टीवी नेटवर्क्स के साथ जुड़े हुए हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं TV9 नेटवर्क के। उन्होंने ये वीडियो एक शेयर किया है जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ, और इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे तवांग सेक्टर में भारत के जो जवान हैं चीनियों को डंडों से पीट पीट कर भगा रहे हैं। और हालांकि थोड़ी सी एब्यूजिव लैंग्वेज है, जैसी जवान होते हो तो अड्डी ऐसी तैसी इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, और ख़ासतौर से राहुल गांधी और तमाम विरोधी दलों को भी देखना चाहिए कि हमारे जवान जिन पर आप अक्सर उंगलियां उठा देते हैं उनकी बहादुरी पर वहाँ पर कितनी मेहनत से। सामने वाला चीन का जो जवान है उसके हाथ में भी बंदूक है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ बंधे हुए हैं हमारे जवानों के। प्रोटोकॉल है कि हम एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करते जब तक ऊपर से ऑर्डर्स ना आए, उसके बावजूद भी कितने साहसिक तरीके से हमारी जमीन में घुसाए चीनी सैनिकों को, PLA के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। जरा देखिए ये वीडियो। ये देखिए जो बॉर्डर पर तार पड़े हुए होते हैं गुरिल्ला केबल्स, उनसे पीछे खदेड़ रहे हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और चीन का कोई भी जो PLA का कोई भी सैनिक है वो विरोध नहीं कर पा रहा है। देखिए हमारे जवानों के हाथों में डंडे हैं और उन्हें मार मार के सबको भगा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर, देखिए वो मारे कितने डंडे सबको, गालियां भी पड़ रही हैं, और हमारे जो जवान हैं तो अड्डी करके वो तेल दे रहे हैं सबको। ये देखिए सरदार जी, देखिए कितने जोर से लठ मार रहे हैं सबको, ये जो हमारे जवान हैं, और किसी को भी अपने सीमा में घुसने नहीं दे रहे हैं। जो आप छोटी सी एक कमजोरी देख रहे हैं, इससे इधर कोई भी चीनी सैनिक नहीं घुस पाए, और ये बहुत ही एक साहसिक घटना है। मेरा मानना है कि जितनी तारीफ की जाए हमारे जवानों की वो कम है, और एक आध जवान है, देखिए एक हमारे जवान को शायद कोई लगा या लगी है चोट, लेकिन फिर भी चीन के जो सैनिक हैं वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं दोस्तों, हिम्मत नहीं हो रही है किसी की, गजब बहुत ज़बरदस्त है। तो जब ऐसे जवान हमारे सीमा पर तैनात रहेंगे तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, और मेरा मानना है कि इन जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इसमें खासतौर से सूचना ये है कि जो LAC है, इन्होंने इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश की थी, हालांकि इस वीडियो पर कोई तारीख नहीं है और लोकेशन भी पता नहीं लग रही है, लेकिन आदित्य राजकोट के जो ट्वीट्स हैं मैंने उनको स्कैन किया है, उससे इतना जरूर क्लियर हो जा रहा है कि जिस तरह के
हेलमेट्स इन लोगों ने पहने हुए हैं, खासतौर से इंडिया चीन के जो जवान हैं, ये तवांग सेक्टर आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसमें ये जो जिस तरह के इन्होंने हेलमेट्स पहने हुए हैं उससे साफ लग रहा है कि ये ताज़ा वीडियो है, ये पुराना वीडियो तो हो ही नहीं सकता। और आदित्य राज कोल ने भी लिखा है कि ऑन एन एवरेज देयर आर 7 to 8 एग्रेसिव ट्रांसग्रेशंस बाई चाइनीज पीएलए इन तवांग एवरी ईयर बिटवीन मई एंड अक्टूबर, के मई से अक्टूबर के महीने में 7 to 8 बार चीन की जो पीएलए है वो यहाँ पर घुसने की कोशिश करती है। और ऑन गोइंग सिंस लास्ट 4 decades, ये पिछले 4 दशकों से चल रहा है, इंडियन ट्रूप्स वर लेस इन स्ट्रेंथ अर्लियर एज कम्पेयर टू पीएलए, कि भारत के जो जवान थे यहाँ पर, ये पीएलए में जो तैनात चीन पीएलए के जो जवान थे उनकी संख्या से बहुत कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कितने साहसिक तरीके से इनका सामना किया और सबको ठिकाने लगाया। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को ज़रूर उन सब लोगों को देखना चाहिए जो हमारी सेना के शौर्य पर उंगलियां उठाते हैं, जिन्हें आज तक हमारी जो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक है उस पर इन्होंने संदेह है, उन सब लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए कि हमारे जवान चैन से नहीं बैठते हैं, और जब उन्हें हथियार चलाने की परमिशन नहीं होती तो डंडों से ही पीट पीट कर दुश्मनों को भगा देते हैं। लेकिन ऐसे ही डंडे उन लोगों को भी लगाए जाने चाहिए जो हमारे देश के जवानों के शौर्य पर, उनके साहस पर और उनकी अपने देश के प्रति लड़ने की जो जुझारूपन है उस पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को भी इस तरह के फट्टे ज़रूर लगाए जाने चाहिए। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो मैंने कोशिश की है कि ऑथेंटिक सोर्स से लिया जाए, हालांकि काफ़ी घंटों से ये वायरल हो रहा था, लेकिन जब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई तब तक मैं आपके लिए नहीं लाया। अगर ये वीडियो आप चाहते हैं कि देश के दूसरे लोगों तक भी पहुँचे तो इसे जितना शेयर कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इसको शेयर करें और हमारे जो देश के जवान हैं उन्हें सैल्यूट करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।